एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बता रहे हैं, या आप स्नैक्स में भी इसको आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं एग पिज़्ज़ा। तो ये हमने कहीं पे खाया था, स्ट्रीट फूड है ये एक तरह का, तो उसको हमने खाया था तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो सोचा कि वही हम आज बनाते हैं घर पे, तो उसी को हमने रिक्रिएट किया है। तो चलिए आइए हम आपको बता दें कि हमने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिए हैं। ये हमने 4 अंडे लिए हैं, ये कुछ चुकंदर के लिया है हमने, उसके इस तरह से गोल गोल पीसेस काट लिए हैं, और कुछ हमने ये ग्रेट कर लिया है। ये प्याज हमने चॉप करी है, जैसे अंडे में हम प्याज डालते हैं वही है ये, बहुत बारीक प्याज काटी है, बहुत बारीक हरी मिर्च है, और ये हरा धनिया हमने काट लिया है। बाकी ये जो पिज्ज़ा में जिस तरह से ये सब डलता है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, इस तरह से हमने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है ये। बाकी हरा धनिया है, और ले हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ है, ये मक्खन है, पनीर है, कुछ पनीर हमारे ऐसे पीसेस हैं और कुछ हमने ऐसे ग्रेट कर लिया है। एक नींबू को हमने काट के हाफ लिया है, इसका हम जूस निकाल लेंगे, और नमक, और ये काली मिर्च है, और ये 4 हमने ब्रेड लिए हैं, और ये क्रीम है। तो चलिए आइए पहले हम इसको अंडों को फेंट लेते हैं, इनको पहले तैयार कर लेते हैं। नमक और काली मिर्च हम डाल देते हैं, आप 4 अंडों के हिसाब से नमक काली मिर्च ले लीजिएगा, हमने उसी के हिसाब से निकाला है। बाकी चीज़ों का कोई पैमाना नहीं है, आप इसको जितना चाहें कम डालें ज़्यादा डालें, इसका कोई पैमाना नहीं है, वो आपकी मर्जी है। हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये अंडे को हम बहुत अच्छे से हमने फेंट लिया है, बहुत फ्लफी हो गया है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए आइए हम गैस ऑन करते हैं। तो ये इसमें हमने मक्खन डाल दिया है, फ्लेम हमारी लो है, इसमें हम ये प्याज, हरी मिर्च, और हरी मिर्च जो हमने काटा था, हरा धनिया, ये सब हम डाल देते हैं। मक्खन को ज्यादा पकाना नहीं होता है, बस फौरन जैसे ही डाला वैसे ही हम इसको हमने डाल दिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है इनिशियली, लेकिन मक्खन में जरूरत नहीं पड़ती है, वो जलने लगता है। तो ये बहुत माइन्यूट टिप्स हैं जो नए पकाने वालों को नहीं मालूम होता है, जो गृहणियां हैं जो पकाती आ रही हैं उनको तो ये सब चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन नए लोग हैं जो अभी अभी पकाना शुरू किया है तो उनके लिए बहुत माइन्यूट टिप्स हैं। तो इसको ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। इसमें हम ये अंडा डाल देते हैं, पूरे में इस तरह से डालना है कि पूरे में ये फैल जाए। ये जैसे ही थोड़ा पकने लगेगा हम इस पर ब्रेड रखेंगे। हमने 4 पीसेस ब्रेड के लिए हैं, आप वाइट, ब्राउन, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से करके एक तरफ से पलट के थोड़ा सा दोबारा इस तरफ से कर देंगे, बस थोड़ा सा इसको हमें गीला करना है एक तरफ से, और फिर इसको हमने दूसरी तरफ से चिपका देना है। ये पैन हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको इसमें प्रेस कर देते हैं। फ्लेम हमारी मीडियम है, लो कर दी हमने, अब इसको हम बहुत ध्यान से पलट देंगे। थोड़ा सा तो हम अब नींबू डाल दे रहे हैं, चीज हम ग्रेट करके डाल रहे हैं।
वो बीच में से अगर पलटते हुए वक्त थोड़ा सा टूट गया तो कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमको वैसे भी इसको 4 पीसेज में या 6 पीस में जैसे हम पिज्जा को करते हैं वैसे भी हमको इसको करना है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम हाफ कर देते हैं 4 पीसेज में इस तरह से। आप इसको चाहें तो 8 पीसेज में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट में पलट दिया, बाकी हम आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने दोबारा थोड़ा सा मक्खन डाला है, इसको हम पिघला रहे हैं। और ये हम इस पे अब डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है ताकि इससे ये चीज हमारा पिघल जाए। वैसे तो अंडे की गरमाई से और उससे भी पिघल जाएगा। इसको हमने डाल दिया अच्छे से। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ डाल दिया है। अब फिर दोबारा हम थोड़ा मक्खन लेंगे। ये हमारा बटर पिघल गया है। इसमें हम ये अनियन, शिमला मिर्च और टमाटर डाल देते हैं। 2-3 मिनट इसको हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा इसमें नमक स्प्रिंकल कर दे रहे हैं। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, थोड़ा ही डालना है। मीडियम फ्लेम हम कर दे रहे हैं अभी। फ्लेम हमने अब हाई कर दी है। ये हमारे टमाटर हो गए हैं, अब हम इसमें पलट देते हैं। ये हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को अच्छे से सॉटे कर लिया है। 2 मिनट हमने इसको चलाया है और इसको हम सब तरफ स्प्रिंकल कर देंगे इस पे। आप इसको सब तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिए। हमने ये सारी जो वेजिटेबल सॉटे किए थे ये डाल दिए हैं। अब हम इस पे चीज डाल देंगे, क्योंकि इसमें इतनी अभी गर्माई है अंडे की और वेजिटेबल्स की, अपने आप ही इसमें पिघल जाएगा। इसको अलग से तवे पे करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छे से, आप बहुत अच्छे से प्याज ये डाल दीजिए, चीज़ सब तरफ। अब हम इसमें ये डाल देते हैं, थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर है ये। चुकंदर डाल देते हैं हम, थोड़ा चुकंदर डाल रहे हैं हम। ये हम पनीर के पीसेस यहाँ पे रख देते हैं। ये बाकी बचा हुआ पनीर भी ग्रेटेड हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं।
एग पिज्ज़ा तैयार है, आप इसको घर में बनाइए, बहुत टेस्टी है। हमने इसको बाहर जब खाया उसके बाद घर में आके कई बार बनाया, तो हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। थोड़ा आपको आइए, अब इसको हम काट देते हैं पिज़्ज़ा कटर से। काट दिया है अब सबको इक्वली, सब आप इसको फर्दर चाहें तो काट सकते हैं, इस तरह से भी आप काट सकते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसको काट लीजिए। हमने इसको काट दिया है, ये हमारा एग पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन है आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, और नीचे एक सब्सक्राइब का भी बटन है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, और वहीं पर आपको एक बेल भी दिखेगी अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा, ये सब बहुत टेस्टी है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है ये रेसिपी। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।